हेलो एवरीवन सो आज हम माइक्रो इकोनॉमिक्स की फर्स्ट वीडियो स्टार्ट करने वाले हैं जिसका आपका फर्स्ट वीडियो फर्स्ट चैप्टर और फर्स्ट यूनिट एनीथिंग यू कैन से सो हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स का फर्स्ट यूनिट है इंट्रोडक्शन इंट्रोडक्शन में हम क्या स्टडी uh, करने वाले हैं हम बेसिकली इस पूरे एंटायर चैप्टर में हम ये देखेंगे कि एक्चुअली में इकोनॉमिक्स क्या होता है या आपकी बिकॉज माइक्रो इकोनॉमिक्स हम स्टार्ट करने वाले इकोनॉमिक्स हम uh, पढ़ेंगे इस पूरे एंटायर हमारे एलेवेंथ के सिलेबस में तो इकोनॉमिक्स क्या होता है और इकोनॉमिक्स में ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जिसको हम स्टडी करते हैं और उससे रिलेटेड जो कंसेप्ट हैं क्योंकि इकोनॉमिक्स को समझने के लिए उससे रिलेटेड बहुत सारे कन्सेप्ट करने पड़ते हैं सो so ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम देखने वाले हैं इस पूरे एंटायर uh, हम कह सकते हैं कि इस एंटायर uh, यूनिट में इंट्रोडक्शन वाली यूनिट में हमारा एंड वन मोर थिंग कि बिकॉज़ इन दिस न्यू सिलेबस ऑफ 2020 टू 21 जो हमारा 2020 वाला जो सिलेबस है जो पेंडेमिक वाला हमारा ये ईयर चल रहा है तो इस वजह से हमारे सीबीएसई ने सिलेबस रिड्यूस करा है सो so, इंट्रोडक्शन में पहले आपका का आता था। अब वो हट चुका है तो मैंने अभी फिलहाल के लिए उस टॉपिक को कवर नहीं किया है राइट और आपकी बुक में भी होगा ही वो टॉपिक तो आप उस टॉपिक को डिलीट कर सकते हैं कट कर सकते हैं वो आपके इस ईयर का सिलेबस नहीं है और अगर आपको डिटेल में सिलेबस जानना है तो आप हमारे चैनल पर जाकर जो हमारा सिलेबस इंट्रोड्यूस हुआ है उसकी वीडियो बनी हुई है इलेवेंथ ट्वेल्थ इकोनॉमिक्स का आपका एक वीडियो है आप वो देख सकते हो अगर आपको डिटेल में सिलेबस जानने में इंटरेस्ट है तो फाइन तो बिना टाइम वेस्ट किए मैं फटाफट सॉरी फटाफट से आपका ये यूनिट स्टार्ट करते हैं हम तो सबसे पहली चीज जैसे कि अब हम देखते हैं बिकॉज हम इकोनॉमिक्स की बात करेंगे राइट तो इसमें आपकी जितने भी हम एक्टिविटीज की बात करते हैं कुछ एक्टिविटीज हैं जो आप अपने डे टू डे लाइफ में परफॉर्म करते हैं कुछ एक्टिविटीज होती हैं जो आप अपने डे टू डे लाइफ में परफॉर्म करते हैं तो ये जो एक्टिविटीज होती हैं, इन एक्टिविटीज को इकोनॉमिक्स में जब हम इसको स्टडी करते हैं इस सब्जेक्ट के अंडर तो इसको टू पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है एक आपका इकोनॉमिक एक्टिविटी और दूसरा पार्ट जो हमारा डिवाइडेड होता है वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज होता है अब भाई क्या मतलब है इस इकोनॉमिक या नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज का वो देख लेते हैं इन शॉर्ट आप देखोगे कि आप अपने लाइफ में जितनी भी एक्टिविटी कर रहे हैं आप बहुत सारी आ, मतलब मॉर्निंग उठ रहे हैं आप आ, आप कुछ गुड्स एंड सर्विसेज कंज्यूम कर रहे हैं आप कुछ ना कुछ फर्नीचर यूज कर रहे हैं आप इलेक्ट्रॉनिक आइटम यूज कर रहे हैं आप जो गर्मी का टाइम है तो ए कूलर ये सारी चीजें यूज कर रहे हैं अगर ठंड का टाइम है तो आप गीजर वगैरह यूज कर रहे हैं तो जितने भी ये प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं और इस प्रोडक्ट को यूज करने के लिए कोई ना कोई एक्टिविटी कर रहे हो जैसे कि आप कुछ किसी चीज को यूज कर रहे हो तो ये भी एक तरह की एक्टिविटी है आप किसी चीज को बना रहे हो प्रोड्यूस कर रहे हो तो वो भी एक तरह की एक्टिविटी है वो जो प्रोसेस है वो एक तरह की एक्टिविटी कहलाती है राइट सो so, आप जितनी भी एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं अपनी डे टू डे लाइफ में इन इकोनॉम सॉरी इन एक्टिविटीज को दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज राइट एनी थिंग यू कैन सी यू कैन रीड दिस की फार्मर्स हैं और फैक्ट्रीज में लोग काम कर रहे हैं प्रोफेशनल डॉक्टर्स टीचर अपने अपने काम कर रहे हैं सो इन सभी एक्टिविटीज को हम बेसिकली दो एक्टिविटीज में डिवाइड करते हैं वन इज इकोनॉमिक एंड अदर वन इज नॉन इकोनॉमिक तो हम इकोनॉमिक एक्टिविटी स्टार्ट करते हैं सो सबसे पहले की जो आपकी इन शॉर्ट ऐसी एक्टिविटीज जो भी एक्टिविटीज हैं जहाँ पे आप क्या कर रहे हैं एक तो वो मनी से रिलेटेड है दो एक्टिविटीज आर रिलेटेड टू मनी अब मनी आप क्या करते हैं मैंने ऐसा नहीं कहा कि मनी आप ऑन कर रहे हैं मनी से रिलेटेड है इवन मनी तो हर जगह ही खर्च होता है लेकिन इस जगह की खास बात क्या है या तो आप मनी अर्न कर रहे हो या तो आप मनी स्पेंड कर रहे हो या तो आप मनी अर्न कर रहे हो या तो आप स्पेंड कर रहे हो या मैं अगर बोलूं कि ये एक्टिविटी अगर हो रही है यहाँ पे दो लोग इन्वॉल्व हैं जो हमारी एक्टिविटी हो रही है यहाँ पे दो तरफ से ट्रांजेक्शन इन्वॉल्व है दो तरफ से ट्रांजेक्शन का मतलब क्या है एक पर्सन स्पेंड कर रहा है और दूसरा पर्सन अर्न कर रहा है दोनों तरफ से ये एक्टिविटी हो रही है इसको हम बायोलिटरल कहते हैं टू साइडेड एक्टिविटी है ये वन साइडेड नहीं है टू साइडेड है और टू साइडेड का मतलब है दैट दोनों ही पार्टी को बेनिफिट हो रहा है दोनों ही पार्टी अपना अपना बेनिफिट सीख कर रहे हैं यहाँ पर हम इन दोनों ही पार्टी का सेल्फ बेनिफिट इन्वॉल्व है ये लोग अपने अपने बेनिफिट के लिए काम कर रहे हैं ठीक है अब जैसे स्पेंड और अर्निंग का क्या मतलब है जैसे कि मान लो कि आप शॉप पे जा रहे हैं एंड शॉप पर आप उनको मनी स्पेंड करते हैं तो ये परस, ये शॉपकीपर है और ये कंज्यूमर आप गए हो शॉप पर आपने उनको मनी पे किया सॉरी सॉरी मिनट यस So, ये पर्सन अगर इसको स्पेंड कर रहा है तो ये पर्सन जो है वो मनी स्पेंड कर रहा है और ये पर्सन जो है वो मनी को अर्न कर रहा है मैंने वहां पे गलत लिख दिया था दिस पर्सन स्पेंडिंग द मनी एंड दिस पर्सन इज अर्निंग द मनी तो स्पेंड करने का मतलब क्या है कि ये इसको बदले में मनी दे रहा है ठीक है ये इसको मनी दे रहा है और ये आपका जो दूसरा पर्सन है या तो कोई गुड्स दे रहा है या तो इसको कोई सर्विसेस दे रहा है इस साइड आएगा ये वाला हमारा लाइक दिस सो हमने क्या देखा दैट ये पर्सन स्पेंड कर रहा है यानी ये पर्सन इसको मनी पे कर रहा है और बदले में ये पर्सन इसको गुड्स एंड सर्विसेज दे रहा है तभी हम कहते हैं कि टू साइडेड है आप एक हाथ से दे रहे हो दूसरे हाथ से कुछ ना कुछ उतनी ही वैल्यू का ले रहे हो ना कुछ ज्यादा ना कुछ काम ना कोई सोशल वेलफेयर नथिंग सो so, आप जितना मनी पे कर रहे हो उसके बराबर आपको गुड्स एंड सर्विस मिल रही है आप फाइव रुपीज का पेन परचेस करने जा रहे हो फाइव रुपीज का आप पांच रुपए पे कर रहे हो पांच रुपए का आपको पेन मिल गया आप कुछ और सामान खरीदने जा रहे हो आपने उतना मनी पे कर दिया आपको उतने का सामान मिल गया एंड सो ऑन और यहाँ पर खरीदने वाले को भी बेनिफिट है और बेचने वाले को भी बेनिफिट है सो so, इन दोनों का सेल्फ बेनिफिट कह सकते हो सेल्फ इंटरेस्ट कर सकते कह सकते हो यानी इन दोनों का पर्सनल इंटरेस्ट है इस ट्रांजेक्शन के पीछे सो so, इस तरह की एक्टिविटीज को हम क्या कहते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज कहते हैं जहाँ पर आप या तो अर्निंग कर रहे हैं या तो स्पेंडिंग कर रहे हैं और यहाँ पे हम दोनों ही तरह के जो लोग हैं वो पर्सनल जो उनका इंटरेस्ट है वो उसको सीख करते हैं वो उसको अचीव करने की कोशिश करते हैं बोथ ऑफ देम सीक देयर पर्सनल इंटरेस्ट अपने पर्सनल इंटरेस्ट uh, के लिए वो लोग काम कर रहे हैं राइट सो दिस इज रिलेटेड टू मनी मनी से हमारा रिलेटेड है या तो अर्निंग कर रहे हैं या तो स्पेंडिंग कर रहे हैं कोई भी आप एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं जहां पे एक पार्टी खर्चा कर रहा है एक पार्टी को इनकम मिल रही है और दोनों तरफ से ट्रांजेक्शन इक्वली है कोई भी एहसान नहीं कर रहा है कोई भी सोशल वर्क नहीं कर रहा है और दोनों पर्सन person का पर्सनल इंटरेस्ट इन्वॉल्व है सो दिस थिंग इज नोन एज इकोनॉमिक एक्टिविटी फाइन इन विच जहां पे हम देखते हैं आगे बढ़ते हैं एक बार डेफिनेशन रीड करते हैं सो इकोनॉमिक एक्टिविटीज रेफर टू दोज एक्टिविटीज विच आर अंडरटेकिंग टू अर्न अ लिविंग Earn a किस तरह से भाई अब ये पर्सन इनकम अर्न कर रहा है तो ये भी अपनी लाइवलीहुड को अर्न कर रहा है ये पर्सन स्पेंड करके जो सामान खरीद रहा है जो गुड्स एंड सर्विसेज खरीद रहा है वो उस गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम करेगा एंड उसको कंज्यूम करने से भी उसको लाइवलीहुड अर्न करेगा तभी तो वो लाइफ अपनी सर्वाइव कर पाएगा ना वो जो उसको लाइफ मिली है उसके लिए तो उसको गुड्स एंड सर्विसेस तो असेंशियल है so for example worker working in a factory shopkeeper selling goods and so on anything you can see so economic activities are concerned with all those activities which are concerned with the production consumption and distribution ये हम अब का next video में देखेंगे so यहाँ तक के लिए अभी तक हमारा सिर्फ हमने देखा है meaning of economic activities हम different types of economic activities हमारी next video में cover करेंगे I hope आपको meaning अभी तक बहुत अच्छे से clear हो गया होगा Fine, thank you so much for watching the video.